गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे के बाद एक बार फिर एक बड़ा हादसा सामने आया है। सौराष्ट्र के राजकोट में नाना मोवा रोड पर स्थित एक निजी गेमिंग जोन में भीषण आग लग गई। इस दुखद हादसे में 9 बच्चों समेत कुल 24 लोगों की मौत हो गई। इस अग्निकांड में अभी तक 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से पूरा गेम जोन जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग की कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अग्निकांड में जान गंवाने वाले बच्चों की पहचान मुश्किल है। ऐसे में डीएनए टेस्ट के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। इस हादसे पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शोक व्यक्त किया है। इस अग्निकांड को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताया। पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि राजकोट में आग लगने की घटना से बेहद व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायलों के लिए स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस घटना पर सोशल मीडिया एक्स पर दुख प्रकट किया है। वे लिखते हैं कि राजकोट में आग की घटना दिल दहला देने वाली है। मैं इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ईश्वर से घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। राज्य सरकार मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मदद देगी। साथ ही ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इस संबंध में एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन करते हुए उसे पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। राजकोट में इस घटना पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अमित शाह ने लिखा कि राजकोट के गेम जोन में हुए हादसे से मन अत्यंत दुखी है। इस हादसे के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी से बात कर जानकारी ली है। प्रशासन राहत व बचाव कार्य के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और घायलों को इलाज प्रदान करवा रहा है। इस दुखद हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राजकोट के निजी गेमिंग जोन में जैसे ही आग लगने की घटना सामने आई वैसे ही प्रशासन ने तमाम उपाय किए, लेकिन गर्मी के मौसम में आग इतनी ज्यादा भड़की कि अंदर फंसे लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका। सूचना पर अभिभावकों में हड़कंप मच गया। वहीं हादसे की सूचना पर पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। घटना की जानकारी देते हुए राजकोट के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। Fire broke out in the TRP gaming zone in the afternoon. The rescue operations are on. The fire is under control. We are trying to retrieve as many bodies as possible. As of now, around 20 bodies have been recovered and they have been sent for to the hospital for further investigations. Sir, what kind of investigation will be carried out? Who are the owners? Any idea? The gaming zone is owned by a person called Yuvraj Singh Solanki. We will be registering an offence for negligence and the deaths which have occurred. The further investigation will take once we complete the rescue operations here. लगभग 4:30 बजे कंट्रोल रूम पे फोन आया था। उस हिसाब से तुरंत एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड यहाँ एक गेमिंग जोन था वहाँ पहुंची। ये टीआरपी गेमिंग जोन में जो टेम्पररी स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो चुका था। अब आग जो है लगभग 2 घंटे पहले उस पर काबू पा लिया गया है, पर जो मलबा है उसे निकाला जा रहा है। यह राहत और बचाव की जो कामगिरी है ये चल रही है। कितने मौत की खबर है, कोई ऑफिशियल फिगर? ये अभी कंफर्म किए जा रहे हैं, पर ये आंकड़ा 17 से ज्यादा हो सकता है। किस प्रकार की एक्शन ली जाएगी जी? इसके लिए राज्य सरकार से एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन करने का कार्यवाही चल रही है। अभी हम राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं, जैसे ये पूर्ण होता है उस दिशा में आगे तपास की जाएगी। उनके ऊपर फिलहाल पाबंदी लगा दी जी? अभी इसके लिए जो हमें ऊपर से सूचनाएं मिलेंगी इस हिसाब से हम एक सभी का ऑडिट करके फिर राजकोट शहर में चालू करें
ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ बातचीत जी, उनके साथ हम सतत टच में हैं। बताया जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों के चलते गेमिंग जोन में बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे। हालांकि आग लगने के वक्त अंदर कितने लोग थे इसकी सटीक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि टीआरपी गेम जोन के प्रबंधन के अनुसार ये सौराष्ट्र का सबसे बड़ा गेम जोन था। यहाँ पर 20 से अधिक खेलों की सुविधाएं थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।